वेलकम स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फाइलम क्रोडाटा। इसका दो पार्ट होगा। पार्ट वन में प्रोटोक्रोडाटा के बारे में हम डिस्कस करेंगे और पार्ट टू में वर्टिब्रेटा के बारे में देखेंगे। तो क्लास इलेवेंथ का एनिमल किंगडम चैप्टर है ये, और ये जो नोट है ये NCERT, CBSE एंड नीट के लिए बहुत ही काम में आएगा। अब हम स्टार्ट करेंगे। जो क्रोडाटा फाइलम है, टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज 50,000 दिखाई देता है। क्रोडाटा का मतलब है स्ट्रिंग और नोटोकॉर्ड, जिसका नोटोकॉर्ड होता है उसको क्रोडाटा बोलते हैं। बल्फोर कॉइन्ड द टर्म, एक टर्म को बल्फोर कॉइन्ड कहे थे। मोस्ट हेटेरोजिनस ग्रुप ऑफ एनिमल्स, मतलब इसका डाइवर्सिटी बहुत ही ज़्यादा है, ये बहुत सारा दिखाई देता है। अब हम देखेंगे इसका कुछ फीचर्स। प्राइमरी कैरेक्टर्स में देखेंगे प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, प्रेजेंस ऑफ डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड, प्रेजेंस ऑफ पेयर्ड गिल फारिंगियल गिल स्लिट एंड प्रेजेंस ऑफ पोस्ट एनल टेल। ये फोर जो कैरेक्टर्स है ये प्राइमरी कैरेक्टर्स है क्रोडाटा का। इसको अगर हम कंसिडर करेंगे अदर कैरेक्टर्स से तो क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलर सिस्टम दिखाई देता है क्रोडाटा का। उसके साथ हार्ट जो है वो वेंट्रली प्रेजेंट होता है। हैबिटेट उसका एक्वाटिक हो सकता है, टेरेस्ट्रियल, एरियल, तो कॉस्मोपॉलिटन है। कार्टिलेजिनियस और बोनी एंडोस्केलेटन प्रेजेंट होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी दिखाई देता है। रेस्पिरेशन गिल्स के थ्रू होता है, लंग्स भी यूज होता है हायर ऑर्गेनिजम्स में। जैसे कि मैंने बोला सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज टाइप है, वेंट्रल हार्ट RBC प्रेजेंट होता है और एस्क्रिक्शन किडनी में होता है। नर्वस सिस्टम अगर देखेंगे तो एडवांस टाइप है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ये सब रहता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम मतलब ये यूनिसेक्सुअल है, सेक्सेस आर सेपरेट। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है और इंटरनल होता है। सम आर हर्माफ्रोडाइट, बाइसेक्सुअल भी दिखाई देते हैं। डेवलपमेंट मोस्टली डायरेक्ट होता है और फ्रॉग में इनडायरेक्ट, मतलब एम्फीबिया में इनडायरेक्ट होता है, इसलिए दोनों लिखाई है। हाईली इवॉल्व्ड और वार्म ब्लडेड और कोल्ड ब्लडेड दोनों दिखाई देते हैं। रीजनरेशन पावर पुअरली डेवलप होता है। अब हम इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे। क्रोडाटा आर डिवाइडेड इंटू थ्री ग्रुप्स, यूरोक्रोडाटा, सेफालोक्रोडाटा, वर्टिब्रेटा। इस वीडियो में हम यूरोक्रोडाटा और सेफालोक्रोडाटा मतलब प्रोटोक्रोडाटा के बारे में डिस्कस करेंगे और वर्टिब्रेटा का एक दूसरा वीडियो मैं बनाऊंगा। यूरो मतलब टेल और क्रोडाटा मतलब नोटोकॉर्ड। अगर नोटोकॉर्ड टेल रीजन में होता है तो उसको यूरोक्रोडाटा बोलते हैं। और इसका हैबिटेट है मैराइन, फ्री स्विमिंग और सेडेंटरी। सेडेंटरी मतलब कॉन्स्टेंट, नॉन मोटाइल। बॉडी इज एनक्लोज्ड विथ टेस्ट, इसका बॉडी का जो कवरिंग है उसको टेस्ट बोलते हैं, जो कि ट्यूनिसिन से बनता है, इसलिए इनको ट्यूनिकेट भी बोलते हैं। ये जो टेस्ट है ये सीक्रेट करता है ट्यूनिसिन। द फेरिंग्स इज परफोरेटेड, यू सेप एलिमेंटरी कैनल प्रेजेंट। सिलियरी मोड इनका फीडिंग होता है। एंडोस्टाइल होता है जो कि एनालॉगस होता है थायराइड ग्लैंड से। नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है लार्वल स्टेज में, टेल रीजन में। टेल एब्सेंट हो जाता है एडल्ट में। रेट्रोग्रेसिव टाइप ऑफ मेटामॉर्फोसिस दिखाई देता है। दे आर हर्माफ्रोडाइट मतलब बाइसेक्सुअल। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, लार्वा को आस्केडियन लार्वा बोलते हैं। प्रोटोगाइनस कंडीशन दिखाई देता है, मतलब मेल फीमेल पार्ट पहले मैच्योर होता है। एग्जाम्पल हार्मानिया, साल्पा, ये सब एग्जाम्पल है। सेफालोक्रोडाटा मतलब नोटोकॉर्ड एक्सटेंड फ्रॉम हेड टू टेल रीजन एंड प्रेजेंट थ्रू आउट द लाइफ। फेरिंग्स परफोरेटेड होता है, फिन्स प्रेजेंट होता है लेकिन अनपेयर्ड होता है, और फिन रेज दिखाई देता है। एंडोस्टाइल होता है इसका भी, क्योंकि थायराइड ग्लैंड के साथ होमोलोगस है। व्हील ऑर्गन भी होता है जो कि फीडिंग में हेल्प करता है। एस्क्रिटोरी ऑर्गन अगर देखेंगे तो प्रोटोनेफ्रिडिया, हार्ट एब्सेंट होता है बट सेगमेंटेड मसल्स प्रेजेंट। यूनिसेक्सुअल ये होते हैं, गोनाड्स आर सेगमेंटल, सेगमेंटेड गोनाड्स दिखाई देता है थोरैक्स रीजन में। एग्जाम्पल है एम्फीऑक्सस। तो ये नोट आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल में, मैं लिंक में प्रोवाइड कर दूंगा। आगे इसका पार्ट टू हम डिस्कस करेंगे, जिस जो है वर्टिब्रेटा, जिसको यू क्रोडाटा भी बोलते हैं। एनिमल किंगडम से नीट में 3 से 4 क्वेश्चन आता है, इसलिए एनिमल किंगडम इम्पोर्टेंट है। ये 11th का चैप्टर है और
एनिमल किंगडम में एग्जांपल्स जितना भी है एनसीईआरटी में वहाँ से क्वेश्चन आता है, तो एग्जांपल्स मोस्ट इम्पोर्टेंट, एंड जितना सब जनरल कैरेक्टर से हमारा जो 7 बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन वो भी इम्पोर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही देखेंगे, थैंक यू।